नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा टीवी शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के स्टार्टअप चैंपियन से, ये है गोल्डन यील्ड और स्टेलैब्स। भारत की करीब 98% जनसंख्या के लिए व्यवसाय का मुख्य स्रोत है कृषि। भारतीय खाद्य पदार्थ और किराना मार्केट दुनिया की छठी सबसे बड़ी मार्केट है। इसमें से करीब 70% हिस्सा रिटेल सेल्स का है। भारत के सबसे ज्यादा किसान आज छोटे किसान हैं। हर किसान पैदावार बढ़ाना चाहता है और अपना खर्च कम करना चाहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए नई टेक्नोलॉजी और जानकारी का इस्तेमाल करना अभी इन्होंने पूर्ण रूप से शुरू नहीं किया है। जरा सोचिए, अगर किसान को कृषि, बागवानी और वानिकी के खेती करते हुए अच्छे तरीके मिल जाएं, उन्हें अगर ऐसे समाधान मिल जाएं जिनके कारण उनकी खेती की पैदावार बढ़ जाए, पानी का खर्च कम हो जाए, फर्टिलाइजर का खर्च कम हो जाए, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल और अच्छे से हो सके, तो भारत हमेशा के लिए बदल जाएगा। जरा सोचिए, अगर टेक्नोलॉजी और विज्ञान हमारे किसानों की सोशल और आर्थिक स्थिति को सुधार सके तो क्या पॉसिबल है। ठीक यही किया है हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने। आइए देखते हैं गोल्डन यील्ड की कहानी। मैजिक रूट जो प्रोडक्ट है वो रूट एंड रूट हेयर को बड़ा करने के लिए और फंक्शनिंग ज़्यादा करने के लिए काम करता है। और रूबिस क्वार्क जो है वो केल्विन साइकिल जो एंजाइम है, किण्वक कहते हैं हम लोग, सो उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत काम करता है। और फोटोन मैक्स जो है फोटो पासफोरिलेशन का काम करने का एफिशिएंट काम करने के लिए मदद करता है। सो इसलिए वो फोटोसिंथेसिस बढ़ता है क्रॉप प्लांट्स में, एंड इट्स यूनिवर्सल। यू कैन अप्लाई दिस टू एनी क्रॉप सो दैट यू कैन गेट बेटर यील्ड, बेटर क्वालिटी, एंड फार्मर्स कैन गेट प्रीमियम प्राइस उसका प्रोडक्ट के साथ। हमें 1 किलो मिलता था पहले, तो अभी हमें 1.5 किलो मिल रहा है उसी प्रोडक्ट का। तो देखिए, फूल भी जो हमें जितने मिलते थे अभी उसके 1.5 गुना ज्यादा मिल रहे हैं। किसान भी पहले थोड़ा डरते थे कि हम यूज़ करें कि नहीं, तो हमने भी कॉन्फ्रेंसेस की, उनको साथ में बुलाया, उनको बैठ के समझाया सब कुछ। पार्ट ऑफ द फील्ड में हम बोलते थे कि इधर यूज़ करो, ट्राई करो, और साइंटिस्ट भी आते थे और उनको भी बताते थे कि कब क्या डालना है, कैसे डालना है, कितना डालना है, तो उनको भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है इसमें। डॉक्टर जगदीश और सुरेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण के इस एपिसोड में। थैंक यू। आपसे मेरा पहला सवाल ये है, देखिए आपके जितने भी प्रोडक्ट्स आज हैं वो फोटोसिंथेटिक रेट कैसे बढ़ाते हैं डिम लाइट में भी, ये जरा समझाइए हमारे ऑडियंस को। ये तो टू वेज इट इंक्रीजेस। पहले तो केल्विन साइकिल किन कहते हैं हम लोग, उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के काम करता है। और दो, इट्स फोटोफॉस्फोरिलेशन, सो सूर्य रश्मि का लेकर वो बायो करेंसी बोलते हैं हम लोग ATP और NADPH का, वो कन्वर्ट करने के लिए के बहुत मदद करता है। सो वन मोर प्रोडक्ट इज देयर, इट इज मैजिक रूट। रूट को जो जड़ होती है हाँ। उसका बढ़ाने का, उसका नेटवर्क बढ़ाने का बहुत काम करता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपका मैजिक रूट जो प्रोडक्ट है, अगर वो किसान कोई इस्तेमाल करे तो जड़ और मजबूत होती है। हो या बहुत मजबूत होता है और फंक्शनिंग तो बहुत एफिशिएंसी करता है। वाटर अब्सॉर्प्शन के लिए, लवण अब्सॉर्प्शन, फर्टिलाइजर अब्सॉर्प्शन के लिए बहुत काम आता है उसमें। अरे सो इसलिए वो तीन मिला के फार्मर्स का जो यील्ड है जी मोर देन 80% बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है। मतलब किसानों की यील्ड कम से कम 80% बढ़ सकती है अगर आपके ये प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाए तो। मेरा दूसरा सवाल आप दोनों से ये है कि आपने ये प्रॉब्लम ढूंढी कैसे? क्या आपने कोई रिसर्च की या आपको कोई एक्सपीरियंस था इस इंडस्ट्री से, कैसे ये प्रॉब्लम कैसे मिली आपको? सो पहले मैं तो फार्मर्स फैमिली से आया है। मैं देखता था मेरा पिता कैसे प्रॉब्लम कर रहे थे। सो जो अच्छी तरफ खेती करने के बाद
उसका यील्ड नहीं मिलता था, उनकी उनकी इनकम बहुत आय बहुत कम थी, कम थी. सो देन दैट मेड मी टू टेक बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स ले लिया मैंने. अच्छा. और बाद में रिसर्च बायोकेमिस्ट्री ले लिया. सर, इसमें मेरा टारगेट था कैसे बढ़ाने का, फंक्शनिंग बढ़ाने का. सो लाइक दैट वी हैव यू नो डन अ लॉट ऑफ रिसर्च फ्रॉम मोर देन 18 इयर्स. आज आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आपके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से किसानों के लिए कितना फायदा होता है, मुझे कुछ उदाहरण देके समझाइए कि उनकी यील्ड कितनी ग्रो होती है, ये पानी का खर्च कितना कम होता है, कुछ ऐसे एग्जांपल देके समझाइए. सी ऑलरेडी हमें अब भी हमारा प्रोडक्ट किसान लोग को हमें लेके जाके खुद हमारा आंखें में हमें देखो है, बाद में तुम्हारा सब लोग उतना खुशी हो कोई, कम से कम 50% इट हैज गेट मोर यील्ड. एंड लास्ट मंथ वी हैव ग्रोन टमाटो एटलीस्ट 800 to 1000 रुपीस 15 केजी के लिए जा कोई दूसरा लोग को किधर भी आए ने हमारा प्रोडक्ट डालने के बाद उतना अच्छा है कोई. वाह, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसानों की जो खेती थी वो 50% से ज्यादा और ग्रो हुई, और पिछले ही महीने टमाटर की जो खेती है उसके लिए किसानों को 1000 रुपए से तक ज्यादा मिले उनकी उनकी उसी खेती के लिए. ये बहुत कमाल की बात है. तो जब किसान आपके प्रोडक्ट को यूज करता है तो भाई आपका बिजनेस मॉडल क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप पैसा कैसे बनाते हैं? सी, हमारा प्रोडक्ट को सेल करके फार्मर्स के लिए, बाद में रिफॉरेस्टेशन, ये अभी आपको ये मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड का ये करके वी हैव टू मेक इट कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करके, बाद में हमारा कंपनी का मोटो है फार्मर्स के लिए हेल्प करने के लिए. अरे वाह. अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपने अपने बिजनेस को फंड कैसे किया, पहले दिन पर कैसे फंड किया, और क्या आपने आज कोई एक्सटर्नल फंडिंग उठाई है? पहले जो फंड था फैमिली और फ्रेंड से जी, सो मिला के दोस्त मिला के रिसर्च को सपोर्ट किया जी. नाउ वी ऑल द फ्रेंड्स टुगेदर गोल्डन यील्ड बना के टेक इट टू द वर्ल्ड. बहुत सही. तो पहले आप लोगों ने फंड किया अपने अपने दोस्तों से, परिवार से, और अब आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी है ऑफ कोर्स, जिससे जिससे कि आप शेयर होल्डर्स को और शेयर होल्डर्स को अपने साथ ला पाएं, और अब आप शायद फंड भी रेस कर पाएंगे. मुझे एक बात बताइए जरा, ये इंपॉर्टेंट ट्रिकी नंबर्स हैं, आपके पास आज कितने किसान हैं, कितने किसानों के साथ आप अपने आप आज काम कर रहे हैं, कितने किसानों को अपना प्रोडक्ट बेच चुके हैं? ख्याल से कम 700 फार्मर्स. वाह, 700 किसान. और ये कहाँ कहाँ है, ये सिर्फ भारत के किन किन राज्यों में है? कर्नाटका, तमिलनाडु, वाह, गुजरात, उत्तरांचल. उत्तरांचल, फैंटास्टिक. आई एम श्योर और भी बहुत जगहों पे होंगे, एंड आल्सो नासिक, महाराष्ट्र. अरे वाह, महाराष्ट्र में भी. वाह, बहुत कमाल की बात है. इस सेशन से आपके फायदे की दो बातें अब मैं आपको बताने वाला हूँ. सबसे पहले, मिट्टी, पानी, सूर्य ऊर्जा, ये सब फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिनके इस्तेमाल से किसान प्रकृति के इन गुणों को और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं. नंबर दो, कम से कम केमिकल्स का इस्तेमाल करके भी आप खेती की पैदावार बढ़ा सकते हैं और अच्छी क्वालिटी और सेहतमंद खेती कर सकते हैं. ये बात तो अब आपको क्लियर हो चुकी होगी. समय है अब एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आप मिलेंगे अगले स्टार्टअप चैंपियन से. यह भारत की पहली वो कंपनी है जिन्हें गेट्स फाउंडेशन से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट मिली. ऐसा इन्होंने क्या किया, जानिए अब आप जब मुझसे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद. paisabazaar.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी. ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ paisabazaar.com पर. अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, The Ministry of Ayush has set up an export promotion council. पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना है. आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे. Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach, the market size for Ayush streams, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Yunani, Siddha, Sowa Rigpa and Homeopathy, has crossed over $18.2 billion, growing at 17% every year.
The Ayush XL will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters. It will facilitate the promotion, publicity and exports of India's Ayush for global good and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine. Ayush XL shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory. प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी ईएमआई भरो, तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स, बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। स्वागत है आपका एक बार फिर स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। जरा सोचिए, आप कुछ ऐसा बना दें जिसे सीधा बिल गेट्स आपकी कंपनी में निवेश कर दें। हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने ऐसा ही कुछ किया और भी बहुत कुछ। क्या आपके मन में कभी यह सवाल उठा है कि जो दूध आप पी रहे हैं या आपका परिवार जो दूध पी रहा है वो कितना शुद्ध है? कौन पुष्टि करेगा इस बात की? आपको कैसे पता कि दूध कहां से आया? कैसा होता अगर छोटे किसान जो डेयरी किसान हैं उनको ऐसी जानकारी मिल जाती जिससे उनकी इनकम बढ़ जाती, जैसे कि कृषि से जुड़ी जानकारी, आर्थिक सहायता, सीधा कस्टमर तक पहुंचने के भी तरीके उनको मिल जाते, और भी उनको बहुत कुछ अगर मिलता तो कैसा होता? इससे सीधा किसान की इनकम बढ़ जाती और आपको और मुझे अच्छी क्वालिटी के डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते और डेयरी प्रोडक्ट्स को उनके स्रोत तक ट्रैक कर पाना आसान हो जाता आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक यही करके दिखाया है हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने। आइए देखते हैं अब स्टेलैप्स की कहानी। हमारा कोशिश हमेशा यह रही कि जो किसान है, हम क्यों किसान को किसान बुलाते हैं, हम क्यों ना उनको एक एंटरप्रेन्योर बना दें। तो मैं सोचा कि जो टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं, जैसे IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, डेटा है, AI है, ML है, फेशियल रिकग्निशन है, जो भी जो टेक्नोलॉजी है, क्यों ना हम किसान के हाथ में दें। हमारा प्रेजेंस 17 स्टेट्स में है, अक्रॉस द 17 स्टेट्स 40,000 गाँव में हमारा प्रेजेंस है और हम इसका प्रेजेंस हम अगले 3 साल में डबल करेंगे। हम ऐसे टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं कि फार्मर को अपने गाय को, गाय के परफॉर्मेंस अच्छी तरह पता हो चल जाए। जैसे समझिए एक डिवाइस है जो गाय के पाँव पे लगता है, उस डिवाइस के हेल्प से फार्मर को पता चल जाता है कि वो अपने गाय कैसे परफॉर्म कर रही है। मूवर का इनपुट सर्विसेज जो है, वी हैव ए फार्म इम्प्रूवमेंट सर्विसेज टीम जो क्षेत्र में काम करता है। टीम में हमारा वेटरनरी सर्विसेज के लिए डॉक्टर्स है, एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट है, वो फार्मर्स के किसानों के साथ काम करते हुए वो कैटल का कौन सा समय में कौन सा फीड खिलाना है कैटल को, ताकि उसका हेल्थ इम्प्रूव हो सके, फर्टिलिटी इम्प्रूव हो सके, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सके, वो सर्विसेज वो फार्मर्स को देते हैं। सुरंजीत और रामाकृष्णा, आप दोनों का स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। धन्यवाद। सबसे पहला जो मैं सवाल आपसे जानना चाहता हूं वो ये है कि आपके सारे के सारे हार्डवेयर के जो प्रोडक्ट्स हैं, पहली बात तो आपको बधाई हो, ये आपने खुद डिजाइन किए हैं, 10-10 साल लगा के आपने प्रोडक्ट्स डिजाइन किए, इनसे फायदा क्या होता है किसानों को? ये जो डिवाइस है ये दूध का क्वालिटी वायरलेसली जांच करते हैं और इंटरनेट के जरिए ये पता चलता है कि किसान को कितना पैसा मिलना चाहिए बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द मिल्क। अरे वाह। इन अदर वर्ड्स, ये दूध को पैसे में बदल देता है। कमाल की बात है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जहां से दूध की कलेक्शन होती है, जिन गांव-गांव से कलेक्शन होती होगी, अगर वहां पे ये डिवाइस है तो वहां पे आप ये चेक कर पा रहे हैं कि दूध कैसा है, क्वालिटी कैसी है, कितना आया, और आप फिर उसको अपने सिस्टम पे, आपके पास वो डेटा है और आप वो कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं उस डेटा को, कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं। और एक और बात है कि इसको रुपए में बदल सकते हैं जी, ताकि किसान को इमीडिएटली इसका जो भाव है
इमीडिएटली उसको इसका भाव मिले, इसका सीधा मतलब किसान को आपका इस डिवाइस पे दिख जाएगा कि मेरे इतने दूध का इतना भाव मुझे मिलेगा, इतना पैसा मुझे मिलेगा। Exactly. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप चार जरूरी सर्विसेज देते हैं, लेकिन उन सर्विसेज को समझने से पहले मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपके हाथ में ये जो डिवाइस है ये क्या करता है? ये तो कोल्ड चेन मॉनिटरिंग का सोल्यूशन है। दूध जो एनिमल कार्टर से आने के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको चिल करना पड़ेगा, उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाना पड़ेगा। अच्छा, वरना दूध खराब हो जाता है। दूध खराब हो जाता है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाता है। सो उसके लिए बल्क मिल्क कूलर्स यूज करते हैं जी। वो बल्क मिल्क कूलर्स को मॉनिटर करने के लिए ये डिवाइस यूज होता है। उसमें उसका वॉल्यूम मेजर करता है, उसका टेम्परेचर मेजर करता है, कितने टाइम तक वो चिल करना है वो सब मेजर करता है। और अगर मान लीजिए दूध का टेम्परेचर उतना ना रहा और कम हो गया तो क्या आपका डिवाइस ये कहीं अलर्ट भी भेजता है? ये अलर्ट भी भेजते हैं सब, ताकि वो कुछ एक्शन ले सके और कुछ रेक्टिफाई कर सके। जी या जी। एक और तीसरा डिवाइस था आई थिंक वो आपके हाथ में है, ये क्या चीज है? ये जो है गाय के पांव पे जाता है जी, फिटबिट फॉर कैटल बोलते हैं। अच्छा, ये गाय के बारे में सब कुछ पता चलता है कि गाय को कब इम्प्रेगनेट करना है जी, गाय को कुछ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है कि नहीं जी। अगर गाय को कुछ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है तो दूध नहीं निकलेगी जी। और ट्रेसेबिलिटी के लिए पता चलता है कि गाय कौन से फार्म से जुड़े हुए हैं, ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ से आ रहा है। और गाय को अगर आपको इंश्योरेंस देना है तो ये पता चलता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम कितना भरना है। वाह, तो ये सब इस डिवाइस से पता चलता है। तो इस डिवाइस को जब आप बांधते हैं गाय के पांव पे तो ये कितने सालों तक चलता है ये डिवाइस? ये इसको चार्जिंग करनी तो बड़ी मुश्किल होती होगी। कम से कम, हाँ आपने सही बोला कि अनलाइक पेट फिटबिट या ह्यूमन फिटबिट है, ये डिवाइस 5 साल तक बिना रिचार्ज के चल सकती है। तो एक बार लगा दिया 5 साल वैसे के वैसे चल सकता है। कमाल की बात है। और ये आप लोगों ने खुद बनाया? ये खुद ग्राउंड अप डिजाइन किया। फैंटास्टिक। आप चार जरूरी सर्विसेज देते हैं किसानों को, इनके बारे में बताइए। चार सर्विस, पहला है कि मार्केट लिंकेज, ताकि हम किसान से दूध लेके एक प्रीमियम में दिल्ली या बेंगलुरु में बेच सकते, वो एक। दूसरा है फाइनेंशियल सर्विसेज, किसान को अगर वर्किंग कैपिटल या एसेट फाइनेंस है वो देते हैं। तीसरा है कि एग्रो इनपुट्स, किसान के लिए फीड फॉडर फर्टिलाइजर्स फंजिसाइड्स क्रॉप न्यूट्रिएंट्स वो सब देते हैं। और चौथा है टेक्नोलॉजी, ये चार सर्विसेज देते हैं किसानों को। इंटरेस्टिंग। आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप लोग पैसा कैसे बनाते हैं? पहले है कि जो दूध निकलता है गाँव में से गाय से, ये हम बेचते हैं कंपनीज को, जो भी FMCG कंपनीज हो जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, जो क्वालिटी कॉन्शियस, क्वालिटी कॉन्शियस है, जो चीज हो या पनीर हो या दूध से बने प्रोडक्ट्स, दूध से बने प्रोडक्ट्स, वो एक है। दूसरा है कि जो किसान है उनको भी हम जो एग्रो इनपुट्स बेचते हैं डायरेक्टली, तो वहां से भी वो दूसरा बिजनेस मॉडल, ये दो इकट्ठे चलते हैं। बहुत सही। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाने में कैसे कारगर है आपकी टेक्नोलॉजी? पहले तो है कि कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम करते हैं इसका, जो आप कोल्ड चेन जो है वहाँ से कम 25% कम कर सकते हैं कोल्ड एनर्जी एफिशिएंसी। दूसरा है कि फ्रॉम अ कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन, ईल्ड जब इंक्रीज होती है तब कार्बन फुटप्रिंट ऑटोमेटिकली 60% रिड्यूस होता है। तो और जेंडर जो है जेंडर कॉन्शियस अप्रोच निभाते हैं हम जी। तो बहुत सारे SDG गोल्स पे हम ध्यान देते हैं। बहुत सही। लाखों भारतीय इस समय आपको सुन रहे हैं शो पे, क्या संदेश आप उनको देना चाहते हैं, क्योंकि वो भी आपकी तरह सक्सेसफुल सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? हम एक जब भी हम एक कंपेलिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया है। तो पहले एक कंपेलिंग प्रॉब्लम आप लेके सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। और जो भी हमने हासिल किया अभी तक, वो सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे जो 3 मिलियन फार्मर्स है वो सब क्रेडिट उनको जाते हैं। वाह, फिनोमिनल। सो कंपेलिंग प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए अपने कस्टमर की और आपको वैल्यू अपने आप क्रिएट कर देंगे। इस सेशन से आपके फायदे की दो बातें हैं, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और सही जानकारी से डेयरी किसानों की इनकम बढ़ सकती है और हमारे लिए डेयरी की क्वालिटी भी बढ़ सकती है। कृषि का भविष्य डिजिटल है, ये बात आप जान लीजिए, आप इसको डिजिटल कृषि भी कह सकते हैं। टाइम मशीन अब तक नहीं बनी, अपने समय का सदुपयोग कीजिए, उसको बर्बाद मत कीजिए। समय है अब एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद होंगे आपके सवाल और हमारे चैंपियंस के जवाब, और साथ में हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का 12वां कदम लेंगे आप मेरे साथ। मिलिए मुझसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित,
और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट, वही सुविधा अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर ओके बाय। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। अब समय है आपके सवाल लेने का और जवाब होंगे हमारे स्टार्टअप चैंपियंस के। आइए लेते हैं हमारा सबसे पहला सवाल। मैं पारुल जैन दिल्ली से, मेरा सवाल गोल्डन यील्ड से है। आप देश के किसानों तक कैसे पहुंचेंगे? जो रिजल्ट आता है हमारा वो टेक्नोलॉजी का, हम लोग YouTube चैनल में, Facebook में एडवर्टाइज करने में लिए और लोगों के पास लेके के बहुत मदद करता है। जैसा इन्होंने बोला, ये वीडियो बना बनाकर बहुत सारे किसानों को उनकी प्रॉब्लम का सलूशन, उनकी समस्याओं का समाधान देते हैं। किसान इनको फोन करते हैं और इन तक पहुंचते हैं। आइए अब लेते हैं अपना दूसरा सवाल। आइए स्क्रीन पर और पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम राज दत्ता है, मैं कोलकाता से हूँ। मेरा सवाल स्टेल एप्स की टीम से ये है कि क्या डेयरी किसान आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश ये कि ये जो दूध निकलता है गांव में से, वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट के जरिए कैसे बेच सकते हैं, जो दिल्ली में हो या बेंगलुरु में हो, ताकि जो भी जब कोई उसके लिए ज़्यादा दाम दे, क्योंकि ये एंटीबायोटिक फ्री है, वो ज़्यादा दाम की जो बेनिफिट है वापस किसान तक पहुँचता है, वो एक है। दूसरा ये कि जो भी दूध हम निकालते हैं पूरा SDG गोल्स के कंप्लायंस के जरिए निकालते हैं, ये कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन हो या जेंडर हो, उसके भी लोग ज़्यादा देने की ये रखते हैं, तो जो भी कंज्यूमर ज़्यादा देते हैं उसका बेनिफिट वापस किसानों को जाता है। कमाल की बात है। मुझे एक बात बताइए कि दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर जैसे शहरों में अगर कोई दूध ऐसा खरीदना चाहे जो सर्टिफाइड हो, वो कैसे खरीद सकता है, कहाँ से खरीद सकता है? ऐसे आप ऐसे ब्रांड्स के साथ काम करते होंगे या आपका अपना ही कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम कोई QR कोड स्कैन कर पाएं और आप के दूध के बारे में जान पाएं? हम ब्रांड के साथ काम करते हैं। हम जो जैसे ITC है, जो FMCG कंपनीज है, उन लोगों के साथ काम करते हैं। तो आप दूध आप जब लेंगे तो आपको लग रहा है कि ITC का दूध है, लेकिन आप हमारा जब कोड है उस पर, उसको आप स्कैन करेंगे तो आपको नो योर मिल्क करके एक पोर्टल पे लेके जाता है। उससे पता चलता है कि दूध कहाँ से आया, कौन, क्या क्या टेस्टिंग हुई उस दूध पे, जो भी क्लेम कर रहे हैं वो ऑथेंटिक क्लेम है कि नहीं जी। तो ऐसा ये इंटेल इनसाइट जैसा अप्रोच लेते हैं इसके लिए। बहुत सही। तो दूध को बना दिया पैसा और दूध की प्योरिटी से आपको दिए एकदम सही प्रोडक्ट्स। लर्निंग से ही होती है अर्निंग, ये तो आप जानते ही हैं। अपनी स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए आज लेंगे हम 12वां कदम, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का। डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, कम्युनिटी बढ़ाओ। फिर से बोलता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, कम्युनिटी बढ़ाओ। जितना जरूरी है एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस बनाना, उतना ही जरूरी है कि आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन खुद बनाएं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आप किस तरह से अपने कस्टमर्स तक पहुंचेंगे, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। अगर आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन खुद नहीं बनाएंगे तो आपको दूसरों को या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देना होगा और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत अपनानी होगी, क्योंकि कस्टमर तक तो पहुंचना ही है। ध्यान रखिए, अगर आपने अपने खुद के प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं भी किया तो भी डिस्ट्रीब्यूशन को आप पहले ही दिन से बनाना शुरू कर दीजिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये आप मुझसे पूछेंगे, तो सबसे पहली चीज, सोशल मीडिया पर अपने कस्टमर्स के काम का कंटेंट बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, लोग आपको फॉलो करेंगे और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ती रहेगी, और यही डिस्ट्रीब्यूशन फिर कम्युनिटी बन जाएगी। जब बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे तो वो आपसे सीखेंगे और आपकी कम्युनिटी बन जाएगी। अपनी बनाई डिस्ट्रीब्यूशन से हमेशा आपका खर्च होगा कम और लोग आप पर विश्वास ज्यादा से ज्यादा करेंगे। क्या सीखा आज के शो में आपने, आप मुझे बताइए और दुनिया को भी, हमें बताइए अपनी वीडियो बनाकर। सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए अपनी वीडियोस को #StartupChampions2 के साथ। अगले एपिसोड में आप मिलेंगे ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल इंडस्ट्री के स्टार्टअप चैंपियन से। इस एपिसोड में बने रहकर भारत की स्टार्टअप्स का हौसला बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कस्टमर्स चाहते हैं कि आज ट्रैवल ऑनलाइन बुक करें और उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। आज के दिन, मतलब 2022 हो गया है और अभी भी वेबसाइट स्लो लोड करती है, मोबाइल में चलती नहीं है। अगर आप बुकिंग करने जाए तो आपसे मतलब 50 चीज़ें मांगती है। इसका क्या फ़ायदा है, कैसे इस्तेमाल होता है, ट्रैफिक जैम से कैसे ये हमको बचाएगा? हर एक गाड़ी का स्पीड लिमिट होता है, उसके हिसाब से ये कैमरा को ट्रिगर करेगा कि ये गाड़ी इससे तेज आ रही है, तो वो कैमरा उससे
नंबर प्लेट का फोटो लेके उसका नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज करके वो सेंट्रल डाटाबेस में भेज देगा कि उसका टिकट जनरेट करना है कि नहीं।